Audio Jungle. So now, students, today I am going to start class 8th NCERT Jumbler problems on mensuration. अब देखिए student, question number 36 में क्या है कि the volume of a cylinder which exactly fit in a cube, यानी एक सिलेंडर जो है वो एक क्यूब के अंदर जो है फिट है और उस क्यूब की साइड ए है, ठीक है। तो जब उस सिलेंडर को उस क्यूब के अंदर रखा जाएगा तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी, हाइट ऑफ जो सिलेंडर होगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी साइड ऑफ अ क्यूब के इक्वल, साइड ऑफ अ क्यूब उसके इक्वल हो जाएगी, यानी ये उसकी, ठीक है, हाइट जो है वो ए के इक्वल हो जाएगी, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ए हो जाएगी। और जो उसकी रेडियस होगी, मतलब अगर किसी क्यूब के अंदर, देखिए एक अगर हम क्यूब बनाए, ठीक है, ये मान ली हम एक इस तरीके से ये एक क्यूब बनाते हैं, ये मान लीजिए हमने एक क्यूब बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इस तरीके से ये एक क्यूब बना दिया हमने। अब इसके अंदर हम एक सिलेंडर अगर रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर हम स्टूडेंट्स एक सिलेंडर रखें, ठीक है, तो जो वो सिलेंडर बनेगा, ठीक है, उस सिलेंडर का जो हाइट होगी, इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो ए के इक्वल होगी, और जो रेडियस होगी वो हो जाएगी जो साइड क्यूब की साइड है, क्योंकि इधर कहीं भी मान लीजिए ये इस तरीके से एक सर्कुलर पार्ट इसमें बनता है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेडियस हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू होगा। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके रख दीजिए, तो देखिए पाई आर जो कितना हो गया ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, और h कितनी हो गई, a हो गई, तो ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a, तो वॉल्यूम कितना आ गया पाई a क्यूब अपॉन 4, तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जितने भी होगा, ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा पाई a क्यूब अपॉन 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 37 में क्या कह रहा है, इसी तरीके से 37 भी इसी पर बेस्ड है, कह रहा सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच एग्जैक्टली फिट इन अ क्यूब ऑफ अ साइड बी। अब यहाँ पे साइड कितनी कर दी, बी कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो देखिए हाइट हमारी वही होगी, हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, पहले ए थी अब हो जाएगी बी, और जो रेडियस होगी ये हो जाएगी बी अपॉन टू, ठीक है। तो अब हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये फाइंड करना है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कर्व्ड नहीं, सरफेस दिया है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया है, ठीक है, तो इसका हम फाइंड कर देंगे, तो ये होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है, बस इसमें वैल्यू रख देना है, तो 2 पाई आर कितनी होगी, आर है हमारी बी अपॉन 2, एच कितनी है, एच हमारी बी है, ठीक है, और ये हो गया बी अपॉन 2, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे,
तो देखिए ये आ जाएगा, ये टू से टू कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बी इंटू, अब बी प्लस बी अपॉन टू को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा थ्री बी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा थ्री पाई बी स्क्वायर अपॉन टू, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्व नहीं निकालना है, सरफेस एरिया हमें स्टूडेंट फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। बी स्क्वायर अपॉन टू ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए 38 में क्या है, 38 में ये दिया गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज डबल्ड एंड द हाइट h1 एंड h2 फॉलिंग ऑन d आर हाल्व्ड देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, कि इफ द डायगोनल d ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डबल्ड, अगर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल को हम डबल कर दें, ठीक है, और जो हाइट h1 और h2 है फॉलिंग ऑन d आर हाल्व्ड, ठीक है, और उसकी जो हाइट है h1 और h2 जो उस पे पड़ती हैं डायगोनल पे, अगर वो आधी हो जाए तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो एक्चुअल में एरिया होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का तो ऐसा कोई एरिया होता नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तो उसमें क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर। अगर इसका एक फिगर बनाया जाए तो कुछ समझ में बात आ जाएगी। देखिए इस तरीके से ये, चलिए मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए एक डायगोनल इसका हमने कोई भी बना दिया, ये डायगोनल हमने इसका बना दिया स्टूडेंट्स, चलिए इसको नाम दे दें ए बी सी और डी, तो ये डायगोनल हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर इधर से इस पे डाल दीजिए, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मान लीजिए यहां से हमने ये डाला, या चलिए कहीं भी डाल दीजिए, उससे क्या डालना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, तो एक परपेंडिकुलर ये हो गया, दूसरा परपेंडिकुलर ये हो गया, अब मान लीजिए ये हो गया h1 और ये हो गया h2, ठीक है, तो अब इसमें दो ट्रायंगल बने हैं, ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला इधर वाला बना है, एक ट्रायंगल इधर वाला बना है। ठीक है, तो देखिए जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो ये होगा 1/2। देखिए बेस कितना है, BD है, ठीक है, और हाइट कितनी है, पहले की h1 है, इसी तरीके से 1/2 BD इंटू h2। ठीक है, तो अब इसमें से स्टूडेंट्स क्या हो गया कि 1/2 BD कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया h1 प्लस h2, तो ये जो है एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया इतना आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो BD है, ठीक है, इसको हमने x मान लिया, अब वो कह रहा है इसको डबल कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज डबल्ड, और वो कह रहा है कि जो इसकी हाइट है, ठीक है, यानी जो हाइट है वो उसको आधा करना है, h1/2, और दूसरे को कर देना है h2/2। ठीक है, तो अब यहां पर हमें जो मिलेगा वो एरिया ऑफ न्यू क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ जो न्यू क्वाड्रिलेटरल है वो कितना हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब देखिए BD को डबल किया था, तो ये 2BD हो गया, या 2x लिख दीजिए या 2BD लिख दीजिए, h1 आधी हो गई, h1/2, इधर h2 आधा हो गया तो h2/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया BD इनटू, अब ये दोनों सेम है, बेस सेम है,
तो ये आ जाएगा एच वन प्लस एच टू अपॉन टू, ये आ गया ठीक है। तो अब ये इधर लिख दीजिए, तो वन वाई टू बी डी इंटू एच वन प्लस एच टू, तो उसका जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया था वो स्टूडेंट चेंज नहीं हुआ ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यही हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि वन वाई टू इंटू डी और एच वन प्लस एच टू, ये इसका एरिया आ जाएगा ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है उसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे। 39 में क्या था, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बिकम्स ठीक है ब्लैंक टाइम्स इट्स ओरिजिनल पेरीमीटर, यानी किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर ओरिजिनल पेरीमीटर का क्या होगा ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ को अगर हम डबल कर दें तो 4 times हो जाएगा। देखिए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती स्टूडेंट्स, ठीक है ये होता है 2l + b ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर वो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को हम डबल कर दें ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2l और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2b ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या होगी, जो नया रेक्टेंगल आएगा वो ओरिजिनल का कितने टाइम्स होगा, तो 2 जी हो गया 2l प्लस 2b, तो 2 times हो जाएगी 2l प्लस 2b, 4 times नहीं 2 times हो जाएगी, क्योंकि 2l प्लस b तो पहले से दिया है 2l प्लस 2b। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया 4l प्लस b ठीक है। तो अगर हम चाहें तो देखिए p1 अपॉन p2 पहले जो दिया था उसको हमने पेरीमीटर को p1 मान लिया, और जो अभी हमने फाइंड किया इसको p1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसको p2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो p1 अपॉन p2 तो ये हो गया 2l प्लस b ठीक है, और ये हो गया 4l प्लस b ठीक है। तो l प्लस b से l प्लस b को कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 2 अपॉन 4, इसको कैंसिल कर दीजिए 1/2 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो p2 इज इक्वल टू 2p1 आ गया ठीक है। तो पेरीमीटर कितनी हो गई बिकम्स ठीक है 2 times कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 times हो जाएगी ठीक है। तो ये 2 times हो जाएगी आपकी, तो इस तरीके से ये 39 था। अब देखिए 40 में क्या है, कह रहा ट्रेपेजियम विथ 3 equal sides एंड 1 side डबल द इक्वल साइड कैन बी डिवाइडेड इनटू ठीक है। अब किसमें 3, 2 कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, तो इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स ठीक है। अब देखिए इसका हम एक फिगर बनाते हैं, ये और ये साइड ठीक है, ये साइड इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये ऊपर वाली साइड की डबल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड इक्वल है स्टूडेंट्स ठीक है। इसका फिगर हमें बना के देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अच्छा अ ट्रेपेजियम विद 3 equal sides 1 side डबल द इक्वल साइड। अब मान लीजिए हमने इस साइड को ए मान लिया, हमने इस साइड को मान लिया कि ये वाली साइड ए है, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी ठीक है। अब यहां से हम यहां पे एक मिड पॉइंट ले लेंगे ठीक है, जब मिड पॉइंट हम लेंगे तो ये भी ए होगा ये भी ए होगा, और इसको यहां से इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इसको यहां हमने ज्वाइन कर दिया, इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया ठीक है। अच्छा जब हमने स्टूडेंट इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया, तो देखिए जब हमने इसको यहां पर ज्वाइन किया ये मिड पॉइंट पे ठीक है, तो अब इसको हम कैसे देखेंगे ठीक है। देखिए ये ट्रेपेजियम बना है, ये हमारा एक ट्रेपेजियम बना हुआ है ठीक है। चलिए इसको हम नाम दे दें
ये हमारा ट्रेपेजियम बना है ए बी सी डी और यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए ई। ठीक है, तो देखिए ट्रेपेजियम की एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ए बी पैरेलल सी डी के है। जब ए बी पैरेलल सी डी के है तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई पैरेलल डी सी के हो जाएगी, डी सी या सी डी एक ही चीज है। ठीक है, ये हो गई स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद जो है, और ये इक्वल भी है, ए ई पैरेलल डी सी के भी है और ए ई इज इक्वल टू डी सी के है बराबर ए। तो अगर किसी स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड का एक पेयर अगर इक्वल हो और पैरेलल हो तो हम कह सकते हैं कि ए ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन गया। ये जब पैरेललोग्राम बन गया तो ये वाली साइड भी ए हो गई, सी ई भी क्या हो गई, ए हो गई। इसी तरीके से इधर हो जाएगा, इसी तरीके से डी ई बी सी भी एक पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली, ठीक है, डी ई बी सी, ठीक है, अब ऐसे भी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइड ए हो गई, ये हो गई, ए हो गई। ठीक है, डी ई बी सी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, उसके दिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, पहले वाले ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, और तीसरे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसमें कितने बने? थ्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो सेम होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल भी लिख सकते और हम उसमें सेम भी लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इक्वल, इन तीनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाम उनका फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब उसका आंसर हम फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए 41 में क्या है, ऑल सिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर। ठीक है, तो देखिए ऑल सिक्स फेसेस, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है उसके फिक्स सेम नहीं होते, उसके अपोजिट जो फेस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ऑल सिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, ठीक है, तो हम लिख देंगे कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, आर रेक्टेंगुलर, आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड ऑफ, ठीक है, डिफरेंट इन एरिया। ठीक है, और इनका एरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट, ठीक है, इन एरिया। तो इस तरीके से ये 41 तक स्टूडेंट क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।